लगभग 350 साल के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज इनका यह रसालगढ़ आज भी प्रजा की सेवा कर रहा है। रसालगढ़, इसने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके स्वराज्य के सपने को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। ये किला जावली के उस जंगल में खड़ा है जहां अफजल खान और ऐसे कई सारे ताकतवर शत्रुओं को भी हार का सामना करना पड़ा था। ये किला कोस्टलाइन से भी काफी नजदीक है और इस किले के बारे में और जानने के लिए देखते रहिए ये पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं रसालगढ़ की ये जर्नी। मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज पहली बार इस फोर्ट पे जाने वाला हूँ। ये मेरे घर के इतने पास है, फिर भी मैं इस फोर्ट पर पहले कभी नहीं गया हूँ। तो रसालगढ़ जाने के लिए मैं निकला हूँ अभी अपने घर से, जो है खेड़ रत्नागिरी में, और घेरापालगढ़, ये जो मेरा गाँव आप देख रहे हो, ये रसालगढ़ से लगभग 36 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। और रसालगढ़ पहुंचने के लिए हमें खेड़ टाउन से होते हुए मुंबई गोवा हाईवे को क्रॉस करके आगे और 15 किलोमीटर जाना है। अभी मैं खेड़ टाउन से 2 किलोमीटर आगे आ गया हूं और ये है द न्यूली बिल्ट मुंबई गोवा हाईवे जो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और इस जगह का नाम है भरना नाका। यहां से और 15 किलोमीटर्स बाद हम होंगे रसालगढ़ पे। तो मुझे रोड पता नहीं है, इसलिए ओमकार जो आज मेरे पीछे बैठा है वो गूगल मैप्स देखकर मुझे गाइड करता रहेगा। इतने स्लो बाइक, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। आज हम हैं खेड़ रत्नागिरी में। खेड़ रत्नागिरी ये फेमस है उसके रसीले आमों के लिए, अल्फांसो मैंगो के लिए। और आज हम जिस फोर्ट पे जा रहे हैं जो यहाँ पर पीछे है, उसका नाम भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। इसका नाम है रसालगढ़। ये जो सामने ही है, यहाँ से उसका एक बुरुज दिख रहा है और उसके पीछे एक दरवाज़ा भी है जो हमें यहाँ से दिख रहा है। तो अभी 4:30 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 4:45 होने आए। हम लोग 3:30 को घर से निकले थे और आज मेरे साथ है ओमकार जाधव। हेलो फ्रेंड। तो हम दोनों भी इस फोर्ट पर पहली बार आ रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग ऊपर जाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ट्रैक। हमने बाइक यहीं पर नीचे लगा दी है इस रोड पर और यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो कितना अमेजिंग है, ये सह्याद्री माउंटेंस। तो आज का वेदर थोड़ा क्लाउडी है, यहाँ से फोर्ट के ऊपर का एक फ्लैग दिख रहा है। चलिए चलते हैं जल्दी ऊपर। तो ये कुछ टूटे हुए स्टेप्स हैं ऊपर जाने के लिए और अभी और 15 मिनट्स में हम लोग फोर्ट के ऊपर होंगे। तो यहाँ से फोर्ट के दोनों भी दरवाजे दिख रहे हैं, एक नीचे है यहाँ पे और एक ऊपर है वहाँ पर। और यहाँ नीचे शुरुआत में ही हमें एक छोटा सा शिवलिंग मिलता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये, जो ठीक इस बड़े से पत्थर के साइड में है। तो अभी चलते हैं आगे। तो ये नीचे जो गांव है वो है रसालवाड़ी, इस फोर्ट का बेस विलेज। काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। तो हमारे गांव में भी एक फोर्ट है, वो है पालगढ़ फोर्ट, और वो भी जोग्राफिकली काफ़ी सिमिलर फोर्ट है इस फोर्ट से। वहाँ पर भी हमें ऐसा ही एक गाँव मिलता है जो है किले माची, और वहाँ पर भी रोड पूरा गांव तक गया है। और ये स्टार्ट हो गए स्टेप्स। तो इन स्टेप्स के कंडीशन को देखकर मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ऐसे वेल मेंटेन स्टेप्स हमें कुछ गिने चुने फोर्ट्स पर ही देखने मिलते हैं। तो ये है रसालगढ़ का पहला दरवाज़ा और ये भी वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी विशाल भी है। और हम लोग ऑल द वे यहाँ से नीचे से आए हैं, क्या अमेजिंग व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है ये एक लॉक सिस्टम है यहाँ पे। ये जो स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, इस होल में एक वुडन बीम इंसर्ट की जाती थी और दरवाज़ा बंद करने के बाद उस वुडन बीम को बाहर निकाल कर अपोजिट वाले होल में इंसर्ट किया जाता था, इससे यह दरवाज़ा पूरी तरह से सिक्योर हो जाता था। तो ये थी उस वक्त की एक इंजीनियरिंग। वैसे यहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है।
तो अभी चलते हैं ऊपर दूसरे वाले दरवाजे की तरफ। उससे पहले हमें दर्शन होते हैं हनुमान जी के, जिन्हें मारुति भी कहा जाता है। इस मूर्ति में मुझे कुछ अलग फीचर्स नज़र आए जो हनुमान जी के बाकी मूर्तियों में हमें नहीं दिखाई देती। जैसे कि इनके हाथ में एक कटियार है, कटियार यानी एक चाकू, और ये इनकी बड़ी बड़ी मूछें भी है। तो ये ऐसे वाले हनुमान जी हमें सह्याद्री के लगभग हर फोर्ट पे मिलते हैं। तो दर्शन हो गए, अब चलते हैं आगे। आज वेदर क्लाउडी है इसीलिए चलने में थोड़ी आसानी हो रही है, वरना अगर धूप होती तो मुश्किल होती ट्रैक करने में। पर अभी फ़िलहाल तो ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये नज़ारा और ये फोर्ट दोनों भी अमेजिंग है, और उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है ये फोर्ट का दूसरा दरवाज़ा जो अभी हमारे सामने है। तो ये जो हाइट है, हम लोग ऑलमोस्ट 1900 फीट अबाउ सी लेवल है, और अभी और थोड़ा सा ऊपर जाना है हम लोग को। हम लोग ऑल द वे वहाँ से आए हैं, इन घने जंगलों के बीच जो रोड दिख रहा है, हम लोग वहीं से घूम घूम के ऐसे यहाँ इस रोड से आए हैं, और वहाँ हमने पार्क की है हमारी बाइक। ये ओंकार जा रहा है आगे, और ऊपर हमें एक बुरुज भी दिख रहा है वहाँ। ये जो पाथवे है वो आई गेस रिसेंटली बनाया गया है, इसके वजह से चलना थोड़ा सिक्योर हो गया है, क्योंकि यहाँ नीचे क्लिफ है और यहाँ से अगर कोई नीचे गया तो आई गेस सीधा ऊपर जाएगा और फिर मिलेगा भी नहीं। तो ये ऐसे प्रोटेक्टिव वॉल्स हो या ना हो, हमें सह्याद्री में इन फोर्ट्स पर ट्रैक करते वक्त हमेशा सावधानी से नेचर के रूल्स को फॉलो करते हुए फोर्ट पर जाना चाहिए, और हम भी आज वहीं करने वाले हैं। तो हम फोर्ट के ऊपर आ गए हैं, और आते ही हमें दिखी ये एक कैनन। ये छोटी सी है और अभी इस पर रस्ट जमी हुई है। हमें नीचे से जो बुरुज दिख रहा था वो यही है, एक बार वहाँ जाकर आते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ इस बुरुज पर, और इसे अच्छी तरह से रिस्टोर किया गया है, और यहाँ है और दो कैनन्स। तो ये वाली जो कैनन है वो पहले वाले दो कैनन से थोड़ी बड़ी है। मैं हाथ लगाकर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको साइज़ का अंदाज़ा आ जाए। अच्छी खासी बड़ी कैनन है ये। तो अभी मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूँ, हम यहीं से फोर्ट के अंदर आए थे, और ये यहाँ है वेस्ट जहाँ हमारा घर है और कोस्टलाइन भी। तो यहाँ है कोंकण के घने जंगल, और पीछे है विशाल सह्याद्री माउंटेंस। तो अब चलते हैं आगे, और ज़रा इसे देखो, ये वाली कैनन तो काफ़ी बड़ी है। इसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का एक मार्क दिख रहा है, मतलब ये वाली कैनन मराठास ब्रिटिशर्स से जीत कर लाए होंगे, या फिर 1818 के बाद ब्रिटिशर्स यहाँ इसे लेकर आए होंगे। तो हमारे पास इसके कुछ रिकॉर्ड्स नहीं हैं। तो इस फोर्ट की एक खासियत है कि इस फोर्ट पर काफ़ी सारे कैनन्स हैं। इस फोर्ट पर कुछ 17 कैनन्स थे, और बाद में दो और कैनन्स को डिस्कवर किया गया यहीं, तो टोटल 19 कैनन्स है अभी यहाँ इस फोर्ट पर। तो ये फोर्ट अच्छे खासे हाइट पर है, और यहाँ ये पूरा फ्लैट प्लेटो है। इसके लोकेशन को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डेक्कन और कोंकण के बीच एक चेक पोस्ट की तरह काम करता होगा। तो ये है जुलाई देवी का मंदिर, और मंदिर के ठीक सामने है ये छोटी बड़ी कैनन्स। टोटल 6 कैनन्स हैं यहाँ रखी हुई। तो ये सभी कैनन्स यहाँ पर गिरी पड़ी थी, उनको ढूंढ के साफ करके यहाँ पर रखा गया है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है फोर्ट कंजर्वेशन करने वाले ग्रुप्स को। तो ये है जुलाई देवी का मंदिर। तो इसके आर्किटेक्चर को देख के ऐसा लगता है कि ये अभी भी ठीक उसी तरह है जैसा ये 350 या 400 साल पहले बनाया गया था। और मंदिर के सामने है दीपमाल। इस दीपमाल पर ऐसे दिए लगाए जाते थे यहाँ पर रख के, और उन्हें फिर लाइट किया जाता था, और रात में ये काफ़ी खूबसूरत दिखता था। बहुत ही अमेजिंग है ये। तो ऐसे दीपमाल्स हमें मोस्टली सभी एंशिएंट टेंपल्स के बाहर मिलेंगे। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, शूज़ निकाल लेते हैं पहले। बाहर जितनी गर्मी है, ये मंदिर अंदर से उतना ही ज़्यादा ठंडा है। बहुत ही पीसफुल लग रहा है यहाँ अंदर, और इसी ठंडक के मज़े लेकर ये भाई यहाँ पर सो रहे हैं। और यहाँ है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके वजह से ये सारे पुराने मंदिर आज भी जिंदा है। तो अभी हम जा रहे हैं इस मंदिर के गर्भगृह में। तो इस गर्भगृह के पिलर्स और छत के लिए यूज़ किया गया इस लकड़ी के फ्रेम को देखकर ये पता चलता है कि एक ट्रेडिशनल कोंकणी मंदिर है। और यहाँ जुलाई देवी की जो मूर्ति है, इसे देखकर एक बात तो क्लियर है कि ये काफ़ी पुराना मंदिर है। जुलाई देवी की मूर्ति के लेफ्ट में है भैरी भवानी और वागजाई देवी की मूर्तियाँ। तो ये एक रॉक पिलर है जिस पर फ्लावर्स की कार्विंग की गई है,
और यहाँ इस पिलर पर एक शरब भी हमें दिखता है, और ऊपर है एक वुडन रूफ जो कोंकणी टेम्पल आर्किटेक्चर की खासियत है। तो हम गर्भगृह से बाहर आ गए हैं और यहाँ कुछ पुरानी मूर्तियाँ रखी गई है। ये सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ पत्थर को कार्व करके बनाई गई है। ऐसा लगता है ये मूर्तियाँ कई सालों तक बाहर खुले में रखी गई होंगी, क्योंकि इन पर बारिश के कारण होने वाले अपक्षय यानी वेदरिंग का प्रभाव देखने मिलता है। पर अब ये यहाँ अंदर है, मतलब सुरक्षित रहेंगी। तो ये था जोलाई देवी का मंदिर। अब चलते हैं बाहर, तो थोड़ा मंदिर का एरिया भी देख लेते हैं। ये मंदिर के राइट साइड में एक मैनमेड वाटर टैंक है जिसका पानी पीने लायक है, और ये है मंदिर। बाहर से भी ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके किलों की एक खासियत है कि इन पर हमें साल के 12 महीने पीने का पानी ज़रूर मिलेगा। इतने हाइट पर है हम, और अभी भी इस गर्मी के सीज़न में यहाँ पीने का पानी है। रसालवाड़ी गांव के लोग आज भी इस पानी का यूज़ करते हैं, मतलब लगभग 350 साल के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाए गए ये किले प्रजा की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा सा बुरुज दिख रहा है वो बाले किले का है, इस फोर्ट का सबसे ऊँचा हिस्सा। हम वहाँ लास्ट में जाएंगे, पर उससे पहले बाकी का फोर्ट देख लेते हैं। रसालगढ़ और इसके आसपास का एरिया ये जावली के जंगल का हिस्सा है, और ये पूरा रीजन जावली के जो मोरे थे उनके कंट्रोल में था, और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने इसे स्वराज्य में शामिल कर लिया, जिसमें प्रतापगढ़, सुमेरगढ़ और रसालगढ़ इन जैसे किले भी इंक्लूडेड हैं। और यहाँ एक और वाटर टैंक है और इसमें भी पीने का पानी है। तो हम पहले वहाँ जाकर आते हैं, देखते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। तो ये है किले का बाले किला, और हम यहाँ से नीचे से जा रहे हैं। तो ये जो फोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हमें लगा था कि ये भी हमारे पालगढ़ फोर्ट की तरह ही एरिया वाइज छोटा होगा, पर ऐसा नहीं है, और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से सह्याद्री के बड़े बड़े माउंटेंस दिख रहे हैं। तो ये है वो स्ट्रक्चर। तो ये एक स्टोर हाउस की तरह दिख रहा है, जिसका यूज़ ग्रेन्स या फिर एम्यूनिशंस स्टोर करने के लिए होता होगा। तो अंदर चल के देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये काफ़ी बुरे कंडीशन में है, तेज़ हवा और बारिश के वजह से आई गेस इसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके वॉल्स तो ठीक है, पर इसका रूफ काफ़ी बुरे हालत में है। अभी चलते हैं बाहर। बाहर से ये कुछ ऐसा दिखता है। और अभी हम इस फोर्ट के ईस्टर्न टिप पर जा रहे हैं, जो है यहाँ इस डायरेक्शन में। तो हम लोग फोर्ट के ईस्ट साइड में हैं, और यहाँ पर बहुत सारी समाधियाँ हैं। ये आई गेस उन सैनिकों की समाधियाँ हो सकती है जिनका मृत्यु इस फोर्ट पर हुआ होगा, या फिर इस फोर्ट से जुड़े हुए किसी लड़ाई में वो शहीद हुए होंगे। तो यहाँ से जाते हैं ऊपर। तो ये है ईस्टर्न टिप, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है सह्याद्री माउंटेंस का, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ हवा भी बहुत तेज़ है, और यहाँ पर है वेस्ट, और हम वहाँ से आए हैं। चलते हैं अब सीधे बाले किला में। तो हम ईस्टर्न टिप से बाले किला की तरफ जा रहे थे, और हमें लेफ्ट में एक नंदी जी दिखाई दिए जो यहाँ नीचे है। तो वहाँ पास जाकर देखते हैं। और यहाँ पर भी एक मूर्ति है, और ये है नंदी जी। तो नंदी है तो शिवलिंग भी ज़रूर होगा, देखते हैं। तो यहाँ है दो शिवलिंग जो टूटे हुए कंडीशन में है। तो हम यहाँ से आए थे नीचे। इस फोर्ट के किसी भी कोने में जाओ, आपको एक अमेजिंग व्यू ज़रूर मिलेगा। यहाँ से हम दूर दूर तक फैले हुए सह्याद्री माउंटेन्स को देख सकते हैं। और अभी चलते हैं बाले किला में। तो इस फोर्ट पर काफ़ी सारी मैनमेड और नेचुरल वाटर टैंक्स है। ये यहाँ पर भी एक है, पर इसका पानी पूरी तरह से सूख चुका है। तो वो था स्टोर हाउस, और ये है बाले किले का ईस्टर्न वॉल जो टूटा हुआ है, और हम वहीं से अंदर जाने वाले हैं अभी। तो फाइनली अभी हम इस फोर्ट के सबसे ऊंचे लोकेशन पर आ गए हैं। यहाँ ऑफिसेज या फिर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स थे पहले, जिसका अभी सिर्फ ये फाउंडेशन बचा हुआ है। तो यहाँ ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक ट्रेडिशनल चक्की है जिसका यूज़ फोर्ट में लगने वाले मिक्सचर को रेडी करने के लिए होता था।
और ये जो बड़ा सा व्हील है तो ये अभी तो एक रेप्लिका है, नकली है, पर असल में यहाँ एक बड़ा सा पत्थर का व्हील यूज़ किया जाता था। इसमें चूना, गुड़ और कांच के टुकड़े, इनको पीस कर उसका मिक्सचर आज के सीमेंट की तरह होता था, और फिर वो मिक्सचर रेडी करके यहाँ इन टैंक्स में कलेक्ट किया जाता था, और इसे पीसने वाले मोस्टली सभी कैदी ही होते थे। तो अभी हम जाते हैं इस फोर्ट के सबसे ऊँचे वाले बुरुज पर। यहाँ कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जिनका बेस हम देख सकते हैं। तो ये है फोर्ट का सबसे ऊंचा बुरुज, और यहाँ पर है 3 कैनन्स। इस बुरुज पर से पूरा फोर्ट दिख रहा है, तो चलिए इसे ऊपर से देखते हैं। कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम फिर से मिलेंगे फिर से एक नए एडवेंचर पे। तब तक के लिए बाय और जय हिंद। बाय।